तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब बढ़िया बढ़िया रहना। आज की वीडियो अपन देखने वाले हैं नेदर वॉर पार्ट वन। अपन को जल्दी से वीडियो स्टार्ट करनी पड़ेगी क्योंकि रिएक्शन बादशाह आ सकता है यहाँ पे, क्योंकि रिएक्शन के समय वो आता जाता रहता है, क्योंकि उसके आने पर सारी लाइटें बुझ जाती है। और ये क्या हुआ, लाइट की सारी लाइटें बुझ गई भाई। स्वागत नहीं करोगे आप? तो आपका मीन बादशाह इस पैक मतलब क्या कर रहे हैं यार तू? मजाक है क्या? तो देख सकते हैं, हम आ चुके हैं आज के कॉन्टेंट सप्लाई अपने ब्लैक प्लाज्मा स्टूडियो के स्क्रीन पे, और हमने इनको सब्सक्राइब भी कर रखा है। वैसे आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे और अमेजिंग कॉन्टेंट देखने के लिए आप, और बेल आइकन भी दबा दिए ऐसे और अमेजिंग कॉन्टेंट की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। और लाइक करते जाना जैसे हमने कर दिया, और वीडियो को अप कर देते बिना किसी देरी के शुरू। तो देख सकते हैं ये सारे बंदों ने इस वीडियो में काम किया है यहाँ पे। आई साहब ब्लैक प्लाज्मा स्टूडियो, क्वालिटी अच्छी कर ले। हाँ भाई अब सही लग रही है। तो ये दोनों बंदे जा रहे हैं नेदर में, अपने स्टीव और अपना एलेक्स दोनों जा रहे हैं नेदर में। लेकिन भाई साहब अभी तो कोई वॉर स्टार्ट हुई भी नहीं है, लेकिन अब होने वाली होगी। लेकिन लावा यहाँ का बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है, यहाँ पे कुछ भी बोलो आप। वहाँ पे उसके ऊपर आते ही हमला हो चुका है भाई, आते ही हमला हो चुका है उसके ऊपर, और वो भग गया भाई। चंदता और उसको पता है कि रुकेगा तो पिटेगा वो। कितना खतरनाक लग रहा है नेदर भाई। और ये रहा वो बंदा, ये पिटने वाला है ऐसे लग रहा है मेरे को अभी। ये गया भाई, ये इसकी वाट लग गई यहाँ पे। ज़्यादा कुछ होशियार बन रहा था, दो बंदे और अकेला इसके मार रहा है। इनको क्या दिख गया भाई? ओ भाई कितनी तगड़ी बोर चल रही है यहाँ पे भाई, कितनी जबरदस्त लेवल वाली बोर चल रही है यहाँ पे। ओ तेरी, ओ भाई यहाँ पे दोनों ने ज्वाइन कर लिया, और ये इनका बॉस भी आ चुका है यहाँ पे। विदर स्केलेटन का वो बॉस आ चुका है यहाँ पे, विदर स्केलेटन वर्सेस पिगलिन की लड़ाई हो रही है यहाँ पे, और ये बचा रहा मदनों को। ये क्या सोच रहा बंदा यार, और इसके पास भाई पावर भी है गोले फेंकने वाली। ओ भाई आयरन मैन वाली पावर आ चुकी है इसमें भाई, इसी ऐसा उड़ उड़ के मार रहा है। क्या परफेक्ट लड़ाई हो रही है भाई, ट्राइडेंट फेंक फेंक के मारी है अपनी एलेक्स यार, क्या बढ़िया इफेक्ट है। आप जाके देख सकते हैं इनके चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओ तेरी, देखा आपने भाई कितनी तगड़ी फ्लेम निकली उसमें से, ब्लू फ्लेम। उसका माइक टूट चुका है यहाँ पे, उसकी शील्ड भी टूटने वाली है लगभग लगभग, उसके टुकड़े होना स्टार्ट हो चुके हैं यहाँ पे। और यहाँ पे दोनों बंदे हार गए यार, ऐसा तो ना होगा। ओ बेहोश हो गए अपने लिए। और ये अपने इसको अभी अभी होश आया, जस्ट अभी अभी। तो देख सकते कितने पिगलिंग जब को पकड़ के रखा है यहाँ पे, कितने सारे पिगलिंग्स हो। वरा वीदर भाई एकदम केजीएफ वाला सीन लग रहा है। और यहाँ पे और वीदर स्केलेटन भी स्पॉन किए जा रहे हैं और लड़ाई करने के लिए, और मजदूरी करवाई जा रही है इनसे। और भाई इनको महल में लेके जा रहे हैं, पेशी है इनकी आज की, राजा के सामने इनकी पेशी की जाएगी अब। ये रहा वो राजा इसका भाई, क्या सो रहा है, लग रहा था नहीं ये बुरा बंदा, कोई ना कोई इसकी बैक स्टोरी आएगी मेरे को ऐसा लग रहा है। बैक स्टोरी आने वाली है, क्योंकि इसकी शक्ल देख के लग रहा है कि कोई बैक स्टोरी रही होगी पहले। ये रहा वो बंदा गांव के अंदर है, एकदम हंसता खेलता गांव के अंदर।
और वहाँ पे एक फूल उगा हुआ है स्कूल के पास जा रहा, लेकिन सब इससे डर रहे क्यों है ये समझ नहीं आ रहा बस। और जैसे इसने फूल को छुआ वो चेंज हो गया भाई, तभी इससे डर रहे सब, इसको ऐसे देख रहे गुस्से वाली नज़रों से, क्या होने वाला है यहाँ पे, कुछ गलत होने वाला शायद। और यहाँ पे विदर स्केलेटन आ चुका है यार, उसने तोड़ के उन गांव वालों को बचा तो लिया है, लेकिन गांव वालों को आ चुका है अब गुस्सा, उसको बाहर निकाल रहे। भाई क्या गलती है इसकी भाई, ऐसा ही है बचपन से, अब क्या कर सकता है इसमें। उसको नेदर में फेंक रहे भाई, तभी वो नेदर में था वो। सो सेड भाई, सो सेड, बेचारे को बाहर भेज भी दिया, उसने तो पीछे तोड़ भी दी ताकि वो वापस ना आ पाए। और ये पहुंच चुका है नेदर के अंदर, कुछ भी खोल लावा, मेरे को बहुत बढ़िया लगा, आपको क्या बढ़िया लगा नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं इसके साथ। और इसके ऊपर हेलमेट लगा दिया किसी ने, इसका दोस्त भी बन चुका भाई पिगलिन, ये लड़ रही क्यों है ये समझ नहीं आ रहा। तो वो अपने साथ ले गया इस बंदे को पिगलिन भाई, तो ये उनके देश आ चुके मतलब उनके क्षेत्र में, ये रहा उनका गांव छोटा गांव, तो ये सबसे मिल रहा है। इसने ट्रेडिंग भी स्टार्ट कर दी यहाँ पे, और अब इसकी ज़िंदगी थोड़ी सी सही हो गई है, बेटर हो गई, लेकिन फिर ये लड़ाई क्यों कर रही है ये समझ नहीं आया। उसने मशीन भी बनाई है फेंकने वाली डांस ये खतरनाक। तो अपने राजा से मिलाने आया हुआ यहाँ पे रस का राजा, ओह भाई राजा ने भी इसको अपना लिया गया है, अब इसकी सही जिंदगी चल रही है, लेकिन गड़बड़ कहाँ हुई ये समझ नहीं आ रही, कहाँ से इसकी लड़ाई स्टार्ट हुई है। दोनों बंदे यहाँ पे बैठे हुए हैं रोजना की तरह, और लेकिन भाई साहब विदर भाग रहा है एक पिगलिन की तरफ, वो बीच में आ गया उसको बचाने के लिए, और ये बंदा आके तीनों गार्डों के साथ शिकायत कर दिया इसकी, और वो पीछे हट गया विद द स्केलेटन भी। उसके आगे झुक गया है, और अब गलतफहमी हो गई भाई अब, क्योंकि ऊपर से वो देख रहे हैं, उसको लग रहा है कि ये हमें मरवाना चाहता है, ये गद्दी हड़पना चाहता है राजा की, वही वो राजा भी आ चुका अपना, उसको भी ये गलतफहमी हो गई भाई। स्केलेटन भाई मान जा, घुड़ा रहा वो तगड़ा तगड़ा। तो इन्होंने तीर तान दिया सब ने भाई, लेकिन उसका दोस्त आ चुका बीच में उसको बचाने के लिए, सब खिलाफ हो गए उसके, लेकिन उसका दोस्त उसके साथ खड़ा है भाई, समझाने की कोशिश कर रहा है ऐसा नहीं है भाई, गलती मना कर दिया भाई। वो तीर चल चुका उसने उसको तो बचा लिया, लेकिन उसके दोस्त के तीर लग गया भाई, बेचारे ने दोस्त को बचाने के लिए अपनी जान गंवा दी यहाँ पे। तो यहाँ से इसको गुस्सा आया इनके ऊपर पिगलिन्स के ऊपर, अब थोड़ी थोड़ी स्टोरी समझ में आने लग गई यहाँ पे लगभग लगभग। तो इसको भी मारने के लिए तीर चलाई जा रही है, लेकिन स्केलेटन उसको बचा रहा है, वैसे स्केलेटन बड़ा तगड़ा लड़ रहा, कुछ बोलो, और ये भी गया तो दोनों को मार दिया, बस ये बच के भग गए यहाँ से। और ये भगता ही जा रहा है, भगता ही जा रहा है, भगता ही जा रहा है भाई, कितना भगेगा ये। और यहाँ पे आके थक गया भाई, रो रहा है यार, इसकी क्या गलती भाई, ये तो बचा ही रहा था, गलतफहमी के चक्कर में ये एक वॉर स्टार्ट हो गई, लिटरली एक वॉर, एक गलत फहमी के चक्कर में ही। अब इसको बदला लेने की इच्छा आ चुकी है भाई, अब बदला लेगा ये तगड़ा वाला, तभी वो वॉर चल रही थी वो। इसने अपनी आर्मी बना ली भाई वीदर्स, कितनी ओपी आर्मी, कितना तगड़ा सीन है यार यार, कुछ भी बोलो। तो इसने राजा को मार के इसका तख्त भी छीन लिया है, अब ये राजा बन चुका है वहां का।
और उसने अपना एक किला भी बना लिया यहाँ पे, सिर्फ बिल विदर स्केलेटन और विदर्स की टीम में, बाकी सब उनकी टीम में। लेकिन ये अभी भी दातिश को अपने दोस्त की याद तो आएगी भाई, दोस्त था, मजाक तो नहीं था कोई बेचारा भाई, अकेला इतने बड़े मेल में करेगा भी क्या। तो यहाँ पे माइनिंग चल रही है गोल्ड की, बेचारे से मजदूरी करवाई जा रही है यहाँ पे। और ये थक चुका है, थोड़ी सी सांस ले रहा है, लेकिन स्केलेटन ने उसको देख लिया है और सीधे लात मारी उसके पिछवाड़े से भाई। खतरनाक टॉर्चर किया जा रहा है यहाँ पे बेचारे को, उसको इन्हों को लेके जा रहा है मजदूरी करवा के। और वहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा गेप है, शायद वहाँ से बाहर निकला जा सकता है। उसने भी उधर देख लिया है, क्या ये भग पाएगा भाई, भाई साहब पीछे इधर स्केलेटन, आगे भी इधर स्केलेटन, ये बच नहीं पाएगा मेरे को तो नहीं लग रहा। तो आगे से दो भाई वो उससे तो बच गया ही है, और भाई बच गया भाई, लेकिन इसकी शक्ल देख के कुछ ख़राब ही लग रहा है मेरे को। लेकिन उसी के पास पहुंच गया भाई, राजा के पास पहुंच गया, जीते घूम फिर के उसको वापस पकड़ लिया है। और मेरे को ऐसा लग रहा है कि सजाए मौत देने वाला है, क्योंकि अक्सर ऐसा ही होता है। देखते अब क्या करता है, तो इसने अपनी इज्जत बचाने के लिए इसने सज्जाए मौत दे दी। अब देखते हैं इसको किस तरह से सलटाया जाता है, मतलब अंदर से अच्छा बंदा है लेकिन बाहर की चीज़ों ने इसको बुरा बना दिया गया है यहाँ पे। तो इस बेचारे को मारने के लिए लेके जा रहे, क्या एलेक्स को बचा पाएगी भाई, एलेक्स कहाँ रह गई, इतना टाइम तो उन्हें लगता भाई, बेचारा मरने वाला है, लावों में फेंकने वाले भाई, इसकी तो बुज्जी पाव बनने वाला है यहाँ पे। और पीछे से वो भी आ चुका है इसको मारने के लिए यहाँ पे, अरे एलेक्स कहाँ रह गई, ये मरने वाला बंदा भाई, उसको तो पकड़ा भी नहीं था, उसको छोड़ दिया था। और ये क्या बचा पाएगी भाई, क्या इंटेस्ट सिचुएशन हो चुकी है यहाँ पे। और ये तीर आ चुका है भाई, आ चुके अपनी एलेक्स, कौन किस किस को लेकर आई, वही सब सबको, पूरी आर्मी आ चुकी है यहाँ पे, बड़ी तगड़ी आर्मी आ चुकी है यहाँ पे, विलेज भी आई हुई यहाँ पे भाई, घास भी है भाई। वो ये डर चुका और अपने महल की तरफ भाग रहा है। और ये विदर स्केलेटन आ चुका, अभी होने वाली है तगड़ी वाली वॉर। और एंडरमैन भी है भाई, एंडरमैन देखो कैसे उठा उठा के फटक रहा उनको। और विदर्स विदर का सामना करने के लिए अपनी घास्ट, और ये वो बेचारे चूरा बना दिया गया यहाँ पे। ओ भाई बचा, वो घोड़ा आके बचा लिया इसने, हॉर्स ने बचा लिया इसको। वो यहाँ पे तलवार छोड़ के चला गया बेचारा। और ये कहाँ पता नहीं कहाँ जा रहा है ये, अच्छा माइनिंग एरिया में आ चुका है ये। ओ सीधे चपेड़े मारता है ये तो गया बंदा, ये पीटेगा किसी ने, ऐसे लग रहा है किसी हाथों से चपेट मारा बिना फालतू की। ओ तेरी छोड़ दे भाई छोड़ दे, इतना जुर्म भी अच्छा नहीं होता भाई। वो सीधे अब हो चुकी है रोगी एंट्री, अब थोड़ा सा भड़काऊ भाषण देगा कि हाँ भाई अपन को लड़ना पड़ेगा, अपने ऊपर अपने साथी आ चुके, अब लड़ना ही पड़ेगा अपन को, आक्रमण कर दिया जाए। तो ये लड़ने के लिए तैयार सारे भग रहे भाई। वो देखो वो कैसे छुप के बैठा उधर। तो वो रही अपनी एलेक्स, अब बड़ी तगड़ी वॉर स्टार्ट होने वाली भाई। इधर की तरफ से विदर स्केलेटन, उधर से एलेक्स की पूरी आर्मी आ चुकी है मतलब की। और ये रहे अपने दोनों बंदे, और फाइटिंग सीन आने वाला जबरदस्त वाला भाई। क्या खतरनाक इंटरेस्ट लेवल का भाई फाइटिंग सीन चल रहा है यहाँ पे। ओ भाई अरे आराम, उसने तो भाई गेट बंद होने से रोक लिया यहाँ पे ट्राइडेंट फेंक के। और विदर ने वाला उसका गोला उसने बीच में फंसा दिया भाई, और गेट खुल चुका है और ये अंदर आ चुके, एंट्री हो चुके इनकी महल के अंदर भाई।
क्या तगड़ा फाइटिंग सीन है भाई। तो ये रहा वो अपना बंदा विलन, इनके इसी का इंतजार कर रहा, और वो आ भी चुके हैं, इनके पीछे ही खड़े हैं दोनों। तो ये अभी भी समझाने की कोशिश कर रहा, छोड़ दे बुराई का रास्ता, लेकिन ये समझने को तैयार ही नहीं है। इसने अपना गोला भी बना चुका है यहाँ पे, एक तो इसकी आयरन मैन वाली पावर मेरे को तो बहुत ही खतरनाक लगी, और शील्ड भी टूटी हुई बेचारे की भाई, अब कैसे संभाल पाएगा इसको। आपको इसकी आयरन मैन वाली पावर कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताना जरूर। अब इंटरेस्ट लेवल की लड़ाई चल रही है, उसने पिलर भी तोड़ दिया है, और इसका पल्ला भारी चल रहा भी भाई, उसने आके बचा लिया एंड टाइम पे। नहीं तो इसकी वाट लग जाती लिटरली भाई। भाई सा कितना तगड़ा एनिमेशन है भाई, और वो रोकने की कोशिश भी कर रही है पीछे से, लेकिन उसके पड़ी एक चपेट और शील्ड दे दी उसने उस, लेकिन शील्ड भी टूटने वाली है, दरारें चाह चुकी उसमें। ओ भाई लिटरली भाई उसके ऊपर पूरी कोशिश कर रहा है, तो जो थोड़ी सी बची है भाई, अब क्या होगा, थोड़ी सी शील्ड बची है भाई, हेल्थ उसकी बीच में आ चुका ही है। अब असली फाइट स्टार्ट हुई, उसने अपना करना भी स्टार्ट किया भाई एक बार। वो इसकी एक हाथ की मशीन भी, दूसरे हाथ की भी मशीन टूट चुकी है यहाँ पे, और वो सीधे लावा में जा रहा भाई। ये लटक चुके दोनों के दोनों बंदे यहाँ पे, देखते अब बचा पाता नहीं बचा पाता, लेकिन वो वहाँ से ब्लॉक भी खिसक रहा है यहाँ से भाई, उनका हाथ भाई फिसल ना जाए बस। वो यहाँ पे उसका हाथ छूट गया भाई, सीधे वो लावा में जाके गिरा भाई, और ये सीधा लावा में भाई। यार ऐसा तो नहीं हो सकता, इतनी जल्दी तो ख़त्म होने से ही भाई, वॉर है वॉर, तभी तो वॉर का नाम दिया। तो छोटी सी लड़ाई हुई और सब कुछ सुखी शांति से हो चुका है यहाँ पे, सब कुछ पहले जैसे हो चुका, ट्रेडिंग वगैरह सब हो चुकी पहले जैसे, लेकिन ये अभी भी उसी के बारे में सोच रहा है भाई वो। मेरे को तो नहीं लगता इसमें कोई इतना कोई ट्विस्ट तो आने वाला है यहाँ पे ट्विस्ट आएगा 100% है यहाँ पे, क्योंकि इतनी आसानी से ये ख़त्म होने से रहा लिटरली भाई, वो रहे तो इतनी आसानी से ख़त्म होने से। वो ये लावा का सीन अब बता रहे यहाँ पे, और ये है भाई साहब उसने पोषण पी लिया है भाई, अब क्या होगा आगे ऐसे। और अगर आपको आगे का पार्ट देखना है तो सब्सक्राइब कर दो वीडियो को, लाइक कर दो, और ठीक है भाई, ओके भाई, ठीक है भाई, मैं चलता हूँ, ओके ओके भाई, ओके भाई।